हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रोशीज़ एजुकेशन पॉइंट टुडे वी आर स्टार्टिंग विद योर इंग्लिश ग्रामर टेक्स्ट बुक द नेम ऑफ द बुक इज़ इम्प्रेशंस क्लास वन चैप्टर सिक्स द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ स्पेशल नेम्स लास्ट वाले चैप्टर में हमने स्पेशल नेम्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था इस चैप्टर में हम लोग स्पेशल नेम्स के बारे में डिटेल में रीड आउट करने वाले हैं सो लेट स्टार्ट सो नाउ देर आर थ्री सेंटेंसेस गिवन नंबर वन इज़ रोहन एंड रोहित प्ले बॉल जो रोहन है और जो रोहित है वो बॉल से खेल रहे हैं तो रोहन भी एक स्पेशल नाम है एक पर्टिकुलर एक बच्चे का नाम है और रोहित भी जो है वो भी एक पर्टिकुलर बच्चे का नाम है तो किसी का नाम अगर हम बात करते हैं तो वो स्पेशल नाउन की कैटेगरी में आ जाता है सेकंड इज़ न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली जगह का नाम है और इंडिया भी एक जगह का नाम है दोनों स्पेसिफिक हैं आप किसी और जगह जाकर नहीं बोल सकते इसका नाम भी न्यू दिल्ली है या इसका नाम भी इंडिया है तो ये न्यू दिल्ली या इंडिया किसी एक जने का नाम है इसी वजह से हम इसे स्पेशल नाउन बोलते हैं नंबर थ्री सुमन इज़ गोइंग टू कोलकाता अब ये जो गर्ल है इसका नाम है सुमन स्पेसिफिकली एक लड़की का नाम अगर बात करें तो वो भी हो जाता है स्पेशल नेम्स में एंड कोलकाता एक जगह का नाम है जगह भी पर्टिकुलरली एक जगह को ही आप नाम से बोलते हैं हर जगह जाकर नहीं बोल सकते इसका नाम भी कोलकाता है उसका नाम भी कोलकाता है तो ये हो जाते हैं स्पेशल नेम्स ऑफ प्लेसेस थ्री कॉन्सेप्ट्स इसमें आते हैं नंबर वन रोहन रोहित एंड सुमन आर स्पेशल नेम्स ऑफ पर्सनस ये एक इंसानों के स्पेशल नेम्स होते हैं नंबर टू न्यू दिल्ली, इंडिया एंड कोलकाता आर स्पेशल नेम्स ऑफ प्लेसेस। ये जो न्यू दिल्ली है इंडिया है या कोलकाता है ये एक जगह का नाम है और स्पेसिफिकली एक जगह का नाम होता है स्पेशल नेम्स ऑफ प्लेसेस। स्पेशल नेम्स ऑफ पर्सनस एंड स्पेशल नेम्स ऑफ प्लेसेस दोनों को ही हमें कैपिटल लेटर से डिनोट करना होता है एम्पावर देर आर सेवन डेज एन अ वीक वीक यानि कि एक हफ्ता एक हफ्ते में सेवन डेज सात दिन होते हैं कौन कौन से मंडे ट्यूजडे वेटनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड नंबर सेवन एंड द लास्ट इज़ योर सनडे सेम ऐसे ही देर आर ट्वेल्व मंथ्स इन अ ईयर एक साल में ट्वेल्व बारह महीने होते हैं ट्वेल्व मंथ्स होते हैं नंबर वन इज़ योर जनवरी फेबररी मार्च अप्रैल मई, जून जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर, नवंबर, एंड द लास्ट वन इज़ योर डिसम्बर नेम्स ऑफ वीकडेज एंड मंथ्स ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर्स ये जितने भी मैंने वीकडेज के नाम बताए या फिर मंथ्स के नाम बताए हैं इन सभी को हमेशा आपको कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना होता है नाउ लेटर स्टार्ट डूंग द असाइनमेंट नंबर ए क्वेश्चन सेज अंडरलाइन द स्पेशल नेम्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज अब इन सेंटेंसेज में कुछ स्पेशल नेम्स हैं जिन्हें हमें अंडरलाइन करना है इन क्वेश्चन नंबर वन ऋषिका इज़ माय सिस्टर ऋषिका एक लड़की का नाम है तो ये बताती है कि ये मेरी सिस्टर है तो ये जो ऋषिका है ये एक स्पेशल नेम है नंबर टू आई एन्जॉय दिवाली फेस्टिवल दिवाली का जो त्यौहार है जो फेस्टिवल है मैं इसे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ hmm. दिवाली भी स्पेसिफिकली एक त्यौहार का नाम है फेस्टिवल का नाम है तो ये भी स्पेशल नेम्स के कैटेगरी में आ जाता है नंबर थ्री जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर साल का पहला जो मंथ होता है फर्स्ट मंथ होता है उसका नाम जनवरी होता है अभी हमने पढ़ा था जो मंथ के नाम होते हैं वो भी स्पेशल नेम्स में आ जाते हैं देन नंबर फोर रोहन टेक्स बुज़ो फॉर अ वॉक अब रोहन जो है वो बुज़ो को बुज़ो उसके पेट का नाम होगा तो इसे वॉक पर लेकर जाएगा तो इसमें रोहन और बुजो दोनों ही स्पेशल नेम्स होते हैं क्वेश्चन फाइव हैव यू विजिटेड न्यू डेली न्यू डेली स्पेसिफिकली एक जगह का नाम होता है तो ये भी स्पेशल नेम्स की कैटेगरी में आ जाएगा नंबर सिक्स संडे इज़ अ हॉलीडे संडे आपका वीकडेज होते हैं एंड अभी हमने पढ़ा था लास्ट पेज पे जितने भी वीकडेज होते हैं वो स्पेशल नेम्स की कैटेगरी में आ जाते हैं नंबर सेवन अमेरिका इज़ अ बिग कंट्री अमेरिका एक स्पेसिफिक जगह का नाम है एक स्पेशल नेम की कैटेगरी में इसे भी हम लोग डाल देते हैं द लास्ट इज नंबर एट क्रिसमस कम्स इन डिसम्बर क्रिसमस एक फेस्टिवल का नाम है स्पेसिफिकली कब आता है दिसंबर में तो क्रिसमस और दिसंबर दोनों ही स्पेशल नेम्स होते हैं नंबर बी री राइट दीज नेम्स इन कैपिटल लेटर्स एज दे आर स्पेशल नेम्स अब ये जितने भी आपको यहाँ पर वर्ड्स दे रखे हैं सभी को आप स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है हमें इसी को सिर्फ कैपिटल लेटर में लिखना है तो आई एन डी आई ए इज़ योर इंडिया नंबर बी राधा आर ए डी एच ए राधा ये कहाँ लिखेंगे आप ये ब्लैंक्स दे रखें इस ब्लैंक में लिखना है आप लोगों को देन नंबर थ्री इज़ लंडन एल ओ एन डी ओ एन लंडन नेक्स्ट इज़ महात्मा गांधी महात्मा गांधी स्पेसिफिक एक इंसान का नाम था तो महात्मा गांधी जी ए एन डी एच आई गांधी आपको फर्स्ट अल्फाबेट को कैपिटल करते जाना है और कुछ नहीं करना है इसमें नेक्स्ट इज नंबर फाइव नवेंब एन ओ वी ई एम बी ई आर नवम्बर स्पेलिंग एज इट इज रहेगी सिर्फ फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल हो जाएगा दैन इज़ ट्यूजडे टी यू ई एस डी ए वाई ट्यूजडे इसमें भी पूरी स्पेलिंग एज इट इज़ रहेगी सिर्फ आपका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर आई होप यू अंडरस्टड Please, um, if you're having any doubt, write me in the comment section below. Thank you so much.